Good morning students. Today we will discuss the next topic, that is the inheritance of two genes. Abhi tak hum do topic complete kar chuke hain. First Mendel's law of inheritance, second inheritance of one gene or one character. Kaise transmission hota one character jiska humne revision lecture bhi kiya hai. To ab jo second topic third topic hai hamara wo hai inheritance of two genes. जब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की हम बात करते हैं तो इसका मतलब इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि दो कैरेक्टर एक साथ जब स्टडी किए जाते हैं तब हम उसको इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स बोलते हैं। अब जो मेंडल है, मेंडल ने काफी सारे क्रॉस किए थे जिसमें जो कुछ क्रॉसेस थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस थे जिसमें एक ही जीन की इनहेरिटेंस की स्टडी की गई थी और उसमें जो रेशियो ऑब्टेन हुआ था F1 के अंदर एक ही ट्रेट अपीयर हो रही थी, F2 के अंदर 3:1 रेशियो ऑब्टेन हो रहा था। लेकिन अब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स यहाँ पे दो कैरेक्टर को लेके भी मेंडल ने वर्क किया था। उसने जो पी प्लांट है, पी प्लांट जो कि डिफर करते थे दो कैरेक्टर्स के अंदर, उनको आपस में क्रॉस कराया, उससे F1 प्रोजेनी ऑब्टेन की, F1 प्रोजेनी को सेल्फ कराया और उसके बाद जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ उसको एनालाइज किया और उस एनालिसिस के बेस पे एक और जनरलाइजेशन यानी कि सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन उन्होंने प्रोवाइड की जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट बोलते हैं। तो मेंडल ने जो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स है उसको किस तरीके से स्टडी किया, मेंडल ऑल्सो वर्क विद एंड क्रॉस्ड पी प्लांट्स मीन्स प्योर पी प्लांट्स डिफर इन टू कैरेक्टर्स। मेंडल ने जो पी प्लांट है जो दो कैरेक्टर में डिफर करते थे उनको भी क्रॉस करके और उनसे भी रिजल्ट ऑब्टेन किया था। अब जो अभी तक हमने पढ़ा है मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। तो यहाँ पे जो प्योर प्लांट्स जिनको दो जीन के इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए लिया गया था उनमें वो दो कैरेक्टर को तो रिजेंबल करते हैं, सॉरी वो दो कैरेक्टर में तो डिफर करते हैं लेकिन बाकी जो 5 कैरेक्टर्स है उसमें वो एक दूसरे को बिल्कुल ही मैच करते हैं। यानी कि जो भी हम यहाँ पे दो प्लांट लेंगे उनके दो कैरेक्टर सिर्फ डिफर करेंगे, बाकी 5 कैरेक्टर जो मेंडल के अकॉर्डिंग थे उसमें वो दोनों मैच करते थे। तो इसीलिए हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की यहाँ पे बात करें, इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर की दो कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट होते हैं। अब मेंडल ने यहाँ पे दो प्लांट कौन कौन से लिए थे, ही क्रॉस्ड पी प्लांट विद राउंड शेप एंड येलो कलर ऑफ सीड्स। यहां पे जो मेंडल है, मेंडल ने क्रॉस किया पी प्लांट को विद राउंड शेप एंड येलो कलर ऑफ सीड्स विद अनदर पी प्लांट विद अनदर पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर ऑफ सीड्स। यानी कि दो प्लांट उन्होंने लिए, एक पी प्लांट था जिसके अंदर जो सीड है उसकी शेप राउंड थी और उसका कलर येलो था, दूसरा पी प्लांट लिया जिसके अंदर सीड की जो शेप थी वो रिंकल थी और कलर ग्रीन था। बाकी जो कैरेक्टर बच गए जैसे हाइट बच गई, दोनों या तो टोन होंगे या दोनों ड्वार्फ होंगे, उसके बाद पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात करें तो दोनों या तो टर्मिनल होंगे या दोनों एक्सियल होंगे। इसी तरीके से बाकी कैरेक्टर्स में भी वो मैच करते थे, सिर्फ यही दो कैरेक्टर थे जिसके अंदर वो मिसमैच करते थे। तो ऐसे दो डिसिमिलर कैरेक्टर वाले पी प्लांट्स को उन्होंने सिलेक्ट किया और उनके बीच में क्रॉस कराया। तो ये पेरेंटल प्लांट्स है, जब इनको क्रॉस कराया गया तो F1 प्रोजेनी जो ऑब्टेन हुई उसके अंदर जितने भी पी प्लांट्स ऑब्टेन हुए सभी ने राउंड शेप
और येलो कलर सीड्स प्रोड्यूस किए, यानी कि सिर्फ दो ही ट्रेट यहां पे अपियर हुई थी F1 के अंदर. The pea plants obtained in F1 generation had produced round and yellow seeds, यानी कि round shape के और yellow color के seeds उन्होंने produce किए. बाकी जो दूसरा character का pair था, जैसे wrinkled shape और green color, वो F1 generation में obtained नहीं हुआ था. जैसा कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी होता है कि वहां पे दो जो ट्रेट होते हैं उनमें से कोई एक ही ट्रेट F1 जनरेशन के अंदर अपीयर होती है अगर हम प्योर प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं. तो यहां पे F1 जनरेशन के अंदर जितने भी पी प्लांट ऑब्टेन हुए थे सभी के अंदर राउंड सीड की शेप थी और येलो उनका कलर था. तो इस तरह के पी प्लांट ऑब्टेन हुए. अब F1 जनरेशन में जो ट्रेट अपीयर होती है उस ट्रेट को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट ट्रेट. और उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर को बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर. तो यहां पे कौन सी ट्रेट अपीयर हो रही है? राउंड. कलर कौन सा हो रहा है? येलो. तो राउंड जो सीड की शेप है ये डोमिनेंट ट्रेट हो गई, येलो कलर जो सीड का है वो भी डोमिनेंट ट्रेट हो गई. डोमिनेंट और येलो कलर भी क्या हो गया? डोमिनेंट. तो ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट थी. तो फिर रिसेसिव कौन सी होगी? रिसेसिव यहां पे बन गई रिंकल्स, जो रिंकल सेब है सीड की और ग्रीन कलर, ये दोनों ट्रेट रिसेसिव है और ये दोनों डोमिनेंट है. अब डोमिनेंट और रिसेसिव ये जो ट्रेट्स हैं, अब इनका इनहेरिटेंस आगे कैसे हुआ, किस तरह का रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, वो रिजल्ट जो था वो किस रेशियो में ऑब्टेन हुआ वो फाइंड आउट कर लेते हैं. तो वंस अगेन मेंडल आल्सो वर्क विद एंड क्रॉस पी प्लांट्स डिफरिंग टू कैरेक्टर्स. जो दो कैरेक्टर में पी प्लांट डिफर कर रहे थे उनको भी क्रॉस कराया गया था. ही क्रॉस पी प्लांट विद राउंड शेप एंड येलो कलर ऑफ सीड्स विद अनदर पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर ऑफ सीड्स, जिसमें जो सीड्स का कलर था वो ग्रीन था और शेप रिंकल थी, उनको क्रॉस कराया गया था राउंड और येलो कलर के सीड्स वाले प्लांट से. पी प्लांट जो ऑब्टेन हुए F1 जनरेशन में उसमें सिर्फ राउंड और येलो सीड्स प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स ही ऑब्टेन हुए, रिंकल और ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस करने वाला कोई भी प्लांट डेवलप नहीं हुआ था. इसका मतलब ये हुआ कि जो राउंड सीड की शेप है वो डोमिनेंट ट्रेट है, येलो कलर डोमिनेंट ट्रेट है, लेकिन जो रिसेसिव ट्रेट है यहाँ पे वो है रिंकल शेप जो सीड की आती है और ग्रीन कलर जो सीड का आता है. तो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इनकी करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हम सिंबल से इनको रिप्रेजेंट करते हैं. तो मेंडल ने कौन से प्लांट लिए थे? प्योर राउंड एंड येलो, यानी कि जो पी प्लांट लिया था वो राउंड और येलो, राउंड सीड की शेप थी और येलो उसका कलर था. इस साइड में प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन. जैसे मैंने आपको बताया था प्योर लिखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट मेंडल के अकॉर्डिंग तभी अपीयर होती है जब दोनों फैक्टर रिसेसिव होते हैं. तो अब यहां पे ये हमारे पास पेरेंट्स हो गए जो मेंडल उस टाइम पे सिलेक्ट किए थे. अब बात करते हैं जीनोटाइप की, यानी कि जेनेटिक मेकअप. जेनेटिक मेकअप क्या होगा? अभी हमने स्टडी किया कि F1 जनरेशन के अंदर कौन अपीयर होता है? राउंड सीड की शेप आती है और ग्रीन सॉरी येलो सीड का कलर आता है. तो राउंड और येलो ये डोमिनेंट ट्रेट हैं और इसके अकॉर्डिंग जब हम यहां पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्योंकि ये प्योर है तो राउंड को कैपिटल R से और येलो को कैपिटल Y से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये जीनोटाइप होगी एक पेरेंट की. अब दूसरे पेरेंट की बात करते हैं.
रिंकल्ड चीड़ की शेप है तो इसको स्मॉल आर से, ग्रीन कलर को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट थिंग, इसमें जो इंक्लूड होते हैं गैमेट्स। गैमेट्स किस तरह के प्रोड्यूस होते हैं? गैमेट यहां पे एक ही तरह के प्रोड्यूस होंगे और एक पेयर जो ट्रेड्स होते हैं उसमें से, या एक पेयर जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से सिर्फ एक फैक्टर एक गैमेट के अंदर आता है। जैसे मैंने आपको लोब सेग्रीगेशन में बताया था कि हर गैमेट एक पर्टिकुलर फैक्टर के लिए प्योर होता है, उसमें एक पेयर में से सिर्फ एक ही फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो जो गैमेट यहां पे बनेंगे उसमें इस पेयर में से एक फैक्टर होगा, इस पेयर में से एक फैक्टर होगा, ये बन गया गैमेट। यानी कि जितने भी गैमेट बनेंगे सारे इसी कंपोजिशन वाले बनेंगे। यहां पे भी सेम, इस कंपोजिशन वाले सारे गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब जो गैमेट्स हैं, अब इनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद हमें ऑब्टेंड होती है F1 जनरेशन। ये हमारे पास आ गई है F1 जनरेशन, F1 जनरेशन जो कि हाइब्रिड है, क्योंकि दोनों तरह के फैक्टर्स प्रेजेंट है, डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है। अब F1 जनरेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी एक भी डोमिनेंट फैक्टर प्रेजेंट होता है पेयर में से तो वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो यहां पे कैपिटल आर प्रेजेंट है तो यहां पे जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो सभी राउंड सीड प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड, कलर की बात करें तो कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो जो सीड का कलर होगा वो येलो होगा, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट है। तो इस तरीके से उनको F1 जनरेशन ऑब्टेंड हुई। तो F1 जनरेशन के अंदर राउंड और येलो कैरेक्टर ऑब्टेंड हुआ था। फिर उन्होंने कराया इसकी सेल्फिंग। जब इसकी सेल्फिंग कराई जाती है तो सेल्फिंग कराने के बाद जो F2 जनरेशन ऑब्टेंड होती है, F2 जनरेशन में किस तरीके का रिजल्ट आ सकता है? तो जो F1 जनरेशन है इसी को आगे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि कंप्लीट काफी ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो इसके गैमेट्स कैसे बनते हैं, उन गैमेट्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो पुनिच स्क्वायर के अकॉर्डिंग या पुनिच स्क्वायर चार्ट के अकॉर्डिंग हम ऑब्टेन करते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे और क्या रेशियो ऑब्टेन होता है। ये F1 इंडिविजुअल्स है जिसको हमने अभी फाइंड आउट किया था, जब प्योर राउंड येलो और प्योर रिंकल्ड और ग्रीन के बीच में क्रॉस कराया था। तो ये F1 जनरेशन ऑब्टेन हुई थी जो कि अब सेल्फिंग जिनकी करानी है। तो यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मेल, तो ये पोलन ग्रेन्स होंगे उसमें किस तरह के गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं फीमेल तो इसमें कितने तरह के एग्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये तो जीनोटाइप हो गया हमारे नेक्स्ट क्रॉस के लिए पेरेंट्स की। अब गैमेट फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है। गैमेट में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक पेयर में से सिर्फ एक ही फैक्टर एक गैमेट के अंदर आता है। जैसे ये वाला एक पेयर है, इसमें से एक ही फैक्टर आएगा एक टाइम पे। दूसरा पेयर हमारे पास ये है, इसमें से भी एक फैक्टर आएगा। तो यहां पर R, Y, कैपिटल दोनों आ गए हैं, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी तो नहीं है। जो कैपिटल R है वो इस वाले जीन के साथ भी अशोर्ट हो सकता है, तो यहां पे कैपिटल R स्मॉल Y के साथ जा सकता है, स्मॉल R कैपिटल Y के साथ कंबाइन कर सकता है, स्मॉल R स्मॉल Y के साथ कंबाइन कर सकता है। तो ये चार तरह के गैमेट्स या चार तरह की जो जीनोटाइप है गैमेट्स की ऑब्टेन होती है। सिमिलरली यही जीनोटाइप हमें यहां पे भी ऑब्टेंड होगी। ये चार तरह के गैमेट्स बनते हैं, तो ये आपको गैमेट बनाने आने चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इसके लिए एक और आसान तरीका है जिससे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जब भी हमें गैमेट बनाने होते हैं तो हम इनका नंबर डाल सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, और गैमेट जो बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं 13, 14, 23 एंड 24। कैसे?
अब देखिए यहां पे 13 यानी कि फर्स्ट और थर्ड कंप्लीट. नाउ 14 फर्स्ट एंड फोर्थ. उसके बाद आता है 23 यानी कि सेकंड एंड थर्ड. उसके बाद 24 सेकंड एंड फोर्थ. तो ये चार तरह के गैमेट बन सकते हैं. आप डायरेक्टली बना सकते हैं या अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप नंबर डाल के उन नंबरिंग के बेस पे ये आपको याद रखना है 13, 14, 23 और 24. इसके अकॉर्डिंग आप गैमेट्स को अरेंज कर सकते हैं जिससे चार तरह के गैमेट्स हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं. अब जो चार तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं अब इनका कॉम्बिनेशन हमें शो करना है कि क्या पॉसिबल जीनोटाइप इनकी हो सकती है और उसके लिए हम पुनेट स्क्वायर जो चार्ट है वो प्रिपेयर करते हैं. क्योंकि हमारे पास फोर गैमेट्स हैं एक टाइप के इसलिए एटलीस्ट हमें यहां पे फोर कॉलम ही बनाने पड़ेंगे और फोर टाइप की ही रो यहां पे हमें ऑब्टेन करनी पड़ेगी. ये हमारे पास एक स्क्वायर चार्ट बन गया है. अब जैसा कि हम पहले भी क्रोसेस में करते रहे हैं अब इन गैमेट्स को यहां पे असाइन करना स्टार्ट कर देते हैं. इन गैमेट्स को हम यहां पे लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई. अब ये वाले जो गैमेट है उसको लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई. अब ये जो मेल गैमेट है वो इनमें से किसी भी फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर सकते हैं. इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन शो करते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है ये वाला इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है इसके साथ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. ये हमारे पास पहला जो गैमेट है इनमें से किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है. अब इस ये गैमेट भी वन बाय वन करके किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है. तो ये हमारे पास पॉसिबल जीनोटाइप्स आती है जब हम इन वाले गैमेट्स को दूसरे वाले टाइप के जो गैमेट्स हैं उनके साथ फ्यूज कराते हैं तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमें ऑब्टेन हो जाता है. अब इस कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं. इन पॉसिबल जीनोटाइप से क्या फिनोटाइप हमें ऑब्टेन हो सकती है उसको हम चेक कर लेते हैं. देखिए यहां पे सबसे पहली चीज जब भी या किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर एक कैपिटल लेटर प्रेजेंट है किसी ट्रेट के लिए तो वो ट्रेट वहां पे अपीयर होगी. तो यहां पे इसके अगर हम बात करें तो यहां पे कैपिटल आर भी और कैपिटल वाई भी है तो कैपिटल आर की वजह से राउंड जो सीड की शेप आ जाएगी और कैपिटल वाई की वजह से येलो सीड की का जो कलर है वो आ जाएगा. सेम ऐसे यहां पे राउंड एंड येलो
यहाँ पे भी एक कैपिटल आर प्रेजेंट है, ये मींस राउंड सीट की शेप तो आएगी ही, साथ में कैपिटल वाई भी है तो येलो कलर भी आएगा। यहाँ पे एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है एंड द सेम राउंड एंड येलो। यहाँ पे राउंड एंड येलो क्योंकि एक कैपिटल वाई प्रेजेंट है, यहाँ पे राउंड लेकिन कोई भी कैपिटल वाई प्रेजेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे कलर जो आएगा वो ग्रीन आएगा। यहाँ पे दोबारा से कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है तो ये आ जाएगा राउंड एंड येलो। यहाँ पे कैपिटल आर प्रेजेंट है तो जो फिनोटाइप आएगी वो राउंड आएगी और जो कलर होगा वो क्या होगा, ग्रीन होगा क्योंकि कोई कैपिटल वाई वहां पे नहीं है। इस वाले केस की बात करें, कैपिटल आर है तो राउंड तो सीट की शेप आएगी, कैपिटल वाई भी है तो येलो कलर भी आ जाएगा। यहां पे भी राउंड येलो, यहां पे कोई कैपिटल आर नहीं है इसलिए रिंकल्ड सीट की शेप होगी और येलो कलर होगा। यहां पे भी रिंकल्ड क्योंकि कोई कैपिटल आर प्रेजेंट नहीं है, रिंकल येलो कंडीशन यहाँ पे ऑब्टेन होगी। यहां की बात करें तो कैपिटल आर प्रेजेंट है इसलिए राउंड, वाई है कैपिटल में तो येलो, यहाँ पे राउंड क्योंकि कैपिटल आर प्रेजेंट है, कोई कैपिटल वाई नहीं है इसलिए ग्रीन। इस केस में कोई कैपिटल आर नहीं है तो रिंकल्ड, कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो येलो। यहां पे कोई कैपिटल आर नहीं है, रिंकल्ड सीट की शेप होगी और ग्रीन सीट का कलर होगा क्योंकि कोई भी कैपिटल वाई यहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारे पास पॉसिबल जीनोटाइप और उसके अकॉर्डिंग जो फिनोटाइप है वो ऑब्टेन होती है और इन जीनोटाइप और फिनोटाइप के बेस पे हम एक रेशियो ऑब्टेन कर सकते हैं, वही रेशियो जो मेंडल ने ऑब्टेन किया था। मेंडल ने इसके बेस पे क्या रेशियो ऑब्टेन किया था और क्या वो मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उनको मैच करता है, उनके जैसा ही था या उनसे डिफर करता है, तो वो हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं।